सो हे गाइस, अब तक तो आपने बहुत ही सारे चेंजेस देखे होंगे जो कि ओबे 40 अपडेट के बाद हमारे गेम में होंगे। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कुछ ऐसे सीक्रेट चेंजेस बताऊंगा जो हमारे गेम को पूरा बदल के रख देंगे। और हाँ यार, लास्ट वाला जो चेंजेस है ना भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा होगा, क्योंकि गाइस वो एक ऐसा फीचर है जिसका यार काफी सारे लोग 2 साल से भी ज्यादा वेट कर रहे हैं। लेकिन यार फाइनली वो चेंजेस हमारे गेम में होगा, तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत मजा आने वाला है। ओके गाइस, तो सबसे पहला सीक्रेट चेंजेस हमें देखने को मिला है अपने क्राफ्ट लैंड में। अगर एडवांस सर्वर के अंदर आप लोगों क्राफ्ट लैंड को ओपन करके देखोगे यहाँ पे ऊपर की साइड, तो यहाँ पे एक न्यू टोकन ऐड हो चुका है। टोकन का नाम तो क्राफ्ट लैंड टोकन ही है, लेकिन यहाँ पे गाइस अगर आप लोग पढ़ोगे नंबर 2 पे देखो लिखा हुआ है क्राफ्ट लैंड टोकन कैन बी यूज्ड टू एक्सचेंज फॉर इन गेम आइटम्स। यानी गाइस इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ये वाला क्राफ्ट लैंड टोकन होगा तो आप लोग इन गेम आइटम यानी आप लोग रिवॉर्ड को क्लेम कर पाओगे। आपको पता होगा ठीक है भाई, स्टोर के अंदर से हम लोग रिडीम वाले सेक्शन में जाके FF टोकन से बड़ी टोकन से रिवॉर्ड को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यार पॉसिबल है कि अपडेट के बाद हम लोग क्राफ्ट लैंड टोकन का भी यूज करके फ्री में रिवॉर्ड को क्लेम कर पाए। बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस की, तो अपडेट के बाद यहाँ पे देखो गाइस न्यू डुअल एक्टिव स्किल मोड आने वाला है। बहुत सारे लोगों का ड्रीम था कि भाई कुछ ऐसा हो जिसके वजह से हम लोग यार 2 एक्टिव कैरेक्टर की एबिलिटी को यूज कर पाए। तो यार ये जो अपना न्यू डुओ एक्टिव स्किल मोड है ना गाइस, उसमें कुछ ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे देखो गाइस आप लोग टोटल 2 एक्टिव कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ एक में अपना DJ आलोक और दूसरे में चूज करता हूँ अपना वुकोंग। यहाँ पे आपको सभी कैरेक्टर की एबिलिटी मिल जाएगी जहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। गेम के अंदर आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया, ये देखो गाइस अपडेट के बाद जो अपना रिम नेम विलेज है गाइस वो भी अपने क्लैश कोड में अवेलेबल हो जाएगा। स्किल को अच्छी तरह से देखने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल में जाके दोनों ही बटन को साथ में मिला देता हूँ ठीक है, ताकि गाइस आपको थोड़ी सी समझने में आसानी हो। अब ये जो गाइस हमें 2 कैरेक्टर के एबिलिटी को चूज किया है उससे हम लोग पूरे ही मैच में यूज कर पाएंगे। बाकी गाइस यहाँ पे देखो मैंने अपना DJ आलोक को भी यूज किया और साथ में यार वुकोंग को भी यूज किया, जो की भाई कतई खतरनाक लगता है। लेकिन यार हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है, दोनों के एबिलिटी को एक साथ में यूज नहीं करना है। सिचुएशन के हिसाब से यानी जिस एबिलिटी को जिस टाइम पे जरूरत हो उस टाइम पे ही यूज करना है, ताकि हम इसका बेस्ट यूज कर पाए। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट चेंजेस की, तो ये चेंज हुआ है हमारे सेटिंग के अंदर वॉइस सेटिंग में। यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाता है एक्टिव इन डिवाइस बैकग्राउंड। आखिर ये सेटिंग है क्या वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी ये ऑफ है, लेकिन अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो जब भी कैसे आप लोग गेम को बैकग्राउंड में छोड़ के दूसरे ऐप को यूज करोगे तो तब भी जो अपना फ्री फायर का साउंड है वो आएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ काम आ जाता है जिसकी वजह से हम फ्री फायर को बैकग्राउंड में रनिंग करता हुआ छोड़ देते हैं और दूसरे ऐप को यूज करने लग जाते हैं। तो यार जब भी आप लोग बैकग्राउंड में छोड़ दोगे तब भी अपना जो गेम का साउंड है वो आपको सुनाई देगा। अगर ये वाला सेटिंग आपके काम आता है तो आप इसे अपने हिसाब से ऑन रख सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पे नहीं हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें फ्री फायर की ऐसे ही अपडेट मिलते रहे। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्रेट चेंजेस की, तो यार ये चेंजेस तो भाई कतई खतरनाक होने वाला है। अब एडवांस सर्वर के अंदर ये बग है या फिर ये नया फीचर है भाई कुछ भी कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो गाइस आप लोग भाई कार में बैठ के भी फायर कर सकते हो। ये जो अपना फायर फ्रॉम व्हीकल वाला अपडेट है ठीक है गाइस, वो अपने PUBG में ऑलरेडी है, BGMI में ऑलरेडी है। मैं तो यार बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि ये जो अपडेट है वो अपने फ्री फायर में भी आए, और यार सच में ये वाला अपडेट अपने एडवांस सर्वर में देखने को मिला हुआ है। अगर आपका फ्रेंड व्हीकल चला रहा है ठीक है, तो भाई वो तो फायर नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखो आप लोग फायर वगैरह कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसे न्यू अपडेट कह रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक बग है, क्योंकि ये वाला बग एडवांस सर्वर में देखने को मिला है लेकिन अपने गेम में नहीं आएगा। जो भी हो इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो अपडेट के बाद ही पता चलेगा। OB40 अपडेट के बाद होने वाले चेंजेस का मैं Part 1 और Part 2 बना चुका हूँ, अगर तुम्हें देखना है तो लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी गाइस आपको इनमें से कौन सा चेंजेस अच्छा लगा नीचे कमेंट में बताना। OB40 अपडेट के बाद होने वाले चेंजेस का Part 1 देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। न्यू EVO MP42.0 को देखना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।